Later. रिटर्न भेजा था पर वो वाली नाकाबंदी हम लोगों ने पार की है और हम लोग आगे गए हैं उससे और खालापुर में डीजल भरा है और अब आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं तो देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं। लेट्स गो लेट्स गो। यहाँ पे तो गर्मी बहुत ज्यादा है पर हम होप कर रहे हैं कि लोनावाला में उतनी गर्मी ना हो। कल मैंने देखा था टेम्परेचर 30 दिखा रहा था सो आई होप कि थोड़ा सा तो उससे कम ही हो। हम निकले तभी तो बारिश थी। हाँ अंधेरी में बारिश थी बता। अब लोनावाला में लेट्स सी। चलो चलो यहाँ पे बहुत मस्त एक जगह मिली है। ये खोपोली से थोड़ा आगे है और हाईवे पे है पूरी जगह। एकदम सुपर्ब जगह है। अब इधर फाइनली सुबह का जो ब्रेकफास्ट होना चाहिए वो हम लोग खाएंगे। हम लोग थोड़ा सा चाय बनाएंगे और पास्ता या फिर मैगी बनाएंगे। हाउ एक्साइटेड आर यू? वेरी एक्साइटेड। एसी में मेकअप अच्छा रहता है वैसे। है जगू इज मेकिंग पास्ता और ये क्यूट सी हाँ क्यूट ओके ओके ऑलमोस्ट देयर। तो उसे हमारा पास्ता ही चाहिए। We'll be right back.
बनाने वाली हूँ कॉफ़ी। तो हम देखते हैं कि ऑन द रोड कॉफ़ी कैसे बनती है। इसमें गैस पे हम पहले पानी डालेंगे, जितनी कॉफ़ी हमको पीनी है उतने पानी डालेंगे। तो मैंने 2 ग्लासेस डाले हैं। फिर हम जग्गू से लाएंगे ग्लासेस। तो ये है हमारा कॉफ़ी किट और ये हमारे कहीं मैं ही ना जल जाऊँ इसको बनाते बनाते। तो इसमें हम पहले डालेंगे शुगर, सॉरी ये शुगर नहीं है, मिल्क पाउडर है। पहले हम डालेंगे मिल्क पाउडर 2 अच्छे स्पून। उसके बाद हम डालेंगे थोड़ी सी शुगर। शुगर मैं बहुत कम डालूंगी क्योंकि मिल्क पाउडर ऑलरेडी बहुत स्वीट होती है और हम दोनों को भी बहुत कम शुगर पसंद है अपने कॉफ़ी में, तो बहुत कम शुगर जाएगी इसमें। उसके बाद मेन कॉफ़ी पाउडर, हम दोनों को ही बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है और कम शक्कर वाली कॉफ़ी पसंद है। तो जग्स के लिए कॉफ़ी बनाना मेरे लिए बहुत इजी है। फिर पानी ऐड करके हम करेंगे स्टर स्टर स्टर। तो जब भी हम आउटडोर होते हैं हम लोग बहुत ही कॉशियस होते हैं कि हमारे आसपास कौन रुक रहा है, कौन क्या कर रहा है। तो जस्ट यहाँ पे एक बाइक वाला रुक गया था तो हम दोनों भी थोड़े रुक गए थे उसको देखने के लिए। और हम लोग हमेशा ही काफ़ी प्रिपेयर्ड रहते हैं जब भी हम बाहर जाते हैं। जैसे हमने हमारे कार के जो डोर्स है उसमें हम डिओड्रेंट्स रखते हैं, अभी तो सैनिटाइजर स्प्रे आ गया है, पेपर स्प्रे रखते थे। तो हम लोग काफ़ी मतलब प्रिपेयर्ड रहते कि कोई आएगा तो हम लोग क्या करेंगे। फिलहाल तो एक्शन प्लान यही है कि कोई आया तो ये कॉफ़ी उसके मुंह पे मारेंगे क्योंकि बहुत गर्म है बहुत गर्म है और क्या, और बाकी मज़ा आ रहा है पसीने के साथ, मज़ा भी उतना ही है जितना पसीना उतना मज़ा। यस और हमने फाइनली लोनावला देख लिया। फाइनली हमने लोनावला देखा। अच्छा उसकी स्टोरी तो हमने बताया ही नहीं। सो जो फर्स्ट एंट्री थी वहाँ से हमको नहीं जाने दिया, बट फिर एज जग्स सेड कि हम लोग ने सेकेंड एंट्री से ट्राई किया। सो वहाँ से हम लोगों को अंदर जाने दिया। अंदर जाते वक्त वो लोग आप लोगों से ई पास मांगते हैं, सो विदाउट ई पास आप अंदर नहीं जा सकते। बट हम लोगों को एक चांस मिला कि हम लोग एक्सप्लोर कर पाए और इस वजह से हमको अंदर जाने के लिए मिला। हमने बस एक चक्कर मारी अंदर, टाइगर हिल, टाइगर पॉइंट, लायन पॉइंट सब बंद है फिलहाल। सो गाइस अपने गाड़ियों से बिल्कुल मत उतरिए बिकॉज लोनावला में फिलहाल इतने केसेस हैं नहीं कोरोना के, एंड दे डोंट वांट एनीवन आउटसाइड लोनावला टू कम इनसाइड एंड स्प्रेड दिस वायरस। तो बेटर है अगर आपको जाने का मौका भी मिलता है, आपके पास ई पास भी होगा, तो मेक श्योर आप गाड़ी से ना उतरे और उनकी ये चीज़ों को फॉलो करें। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, अब भी गुस्सा बताए, अब भी जस्ट गुस्सा पता है। अपन जब चढ़े ना ब्रिज तभी वो जस्ट गुस्सा था उसमें और रिवर्स भी ले रहा था। ये गधे का ध्यान नहीं होगा पता है जो अपने साइड से जा रहा था। क्या करेंगे बेचारे, क्या कुछ हो गया है क्या कि सबको आज बहुत फास्ट जाना है, सबको तेज जाना है। बस यारा तेरे यार बथेरे, देखो आया कॉपीराइट लगाना। यार मेरे चैनल को तुम लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर कीजिए सब्सक्राइब करो क्योंकि जरा अपना फैमिली बड़ा होना चाहिए कि नहीं, मजा आना चाहिए। जॉइन द लॉस्ट जॉइन फैमिली, फैम जैम यो यम। हम लोनावाला तक गए, लोनावाला से आगे तक गए कि हमको थोड़ी बारिश मिल जाए, पर वहां तक तो हमको बारिश मिली नहीं। हमको बारिश मिली है यहाँ आके गोवंडी में। क्या बात है, अगली बार से अपन गोवंडी तक आएंगे। जब तक बारिश होगी उधर तक ही जाएंगे, उधर तक ही जाएंगे, जैसे बारिश खत्म वैसा रिटर्न करते हैं। स्टेटस अपलोड कर रही है। अरे काका थोड़ा तो नहीं थामा यार।
दोनों देखे हैं, पहले वाला भी और अभी वाला भी। सबसे बड़ा सवाल अब ये है कि जंगू पीछे क्यों बैठी है। उसका जवाब आने वाला है। अब हम एक बहुत ही खास व्यक्ति से मिलने के लिए आए हैं। वो व्यक्ति यहाँ होगी, लल्ली ये लीजिए प्रसाद। क्या लगता है बिल्कुल जाके आए ना लोनावला सच में? नंबर कितने बजे गए क्या बताओ तेरे को? क्या हुआ क्या नहीं? तो अब हम जाते हैं आरसी जहाँ हम हमेशा जाते हैं और फिर वहाँ पे इसको ब्रीफिंग देंगे कि हमने क्या क्या किया। एक नंबर यार सही। उसका बहुत मस्त लग रहा है, उसका मुंह देखना कितना क्यूट। और ये बड़ा रागत बच्चे लाओ। घूम फिर के मन भर गया तो हम लोग आ गए वापस घर पे। और घर पे आने के बाद आजकल सबसे इम्पोर्टेंट पहली चीज़ होती है कि जाके पहले नहाओ। तो जैसे ही मैं घर में एंटर करती हूँ वहाँ से सीधा बाथरूम और बाथरूम से फिर कहीं पे भी घर में घूमना है वहाँ पे घूमना अलाउड है, उसके सिवाय कहीं पे भी कुछ अलाउड नहीं। जैसे ही मैं घर पे आई मॉम ने इतना मस्त सरप्राइज दिया मुझे। आजकल मेरा इंटरेस्ट झाड़ में पेड़ों में बहुत ज़्यादा है एंड आई लव प्लांट्स अ लॉट। सो मॉम ने इतना सही सरप्राइज दिया। आज जब घर पे मैं नहीं थी तब हमारे माली काका ने ये वाली एक कुंडी दी है हमें, ये वाली। इसके पहले ये छोटी सी कुंडी में था, ये जो ऐसे ब्लैक कलर की है वैसे कुंडी में था। सो माली काका ने ये लाकर दी और ये प्लांट लाके दिया है। क्या सुपर्ब है ना ये, सुपर्ब। सो गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। एंड करने के पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लोग जब भी घूमने के लिए बाहर जाते हैं हम हमेशा हमारा गैस लेकर हमारे साथ जाते हैं और एक मेरे पास पिकनिक टेबल है वो लेकर जाते हैं। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खाए। सो जब से मतलब मार्च से जो शुरू हुआ है क्वारंटीन होना एंड लॉकडाउन जब से शुरू हुआ है तब से हम लोगों ने बाहर का कुछ भी नहीं खाया है और आई थिंक सो आगे भी लंबे समय तक हम बाहर का कुछ भी नहीं खाने वाले। इसके लिए हम हमारा जो भी मैगी हो या कुछ भी हो जो हम लोग ऑन द वे पका सकते हैं कुक कर सकते हैं वही चीज़ें हम लेकर जाते हैं और कुक करते हैं। तो अगर आप लोग भी कहीं सोच रहे हैं कि बाहर जाना है और यू नो मतलब घर पे बैठ के सबको ही ऐसे लगता है कि थोड़ा सा बाहर घूम के आए, बट प्लीज़ आप खुद का ख्याल रखिए। सैनिटाइजर्स हम मतलब कुछ भी हुआ उसके बाद हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ करते हैं, किसी भी चीज़ को टच करने के बाद हम लोग सैनिटाइज़र्स यूज़ करते हैं, मास्क यूज़ करते हैं जब भी कोई और हम लोगों के पास में होगा। तो सो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना बहुत बहुत ज़रूरी है जब आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो बस इसी के साथ सेफ रहिए, स्टे होम तो हम कह नहीं सकते फिलहाल क्योंकि सबको ही कभी ना कभी बाहर जाना है। तो हम यही कर सकते हैं कि हम खुद का ख्याल रख सकते हैं अच्छी तरीके से जितना हमसे हो सकता है उतना। गाइज इसी नोट पे हम ये वीडियो एंड करते हैं। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और लॉस्ट लॉयर की फैमिली बढ़ाइए। यू आर ऑलरेडी इन द फैमिली और हमको हमारी फैमिली और बढ़ानी है। Okay guys, so I'll see you in some another video very very soon. Bye. Welcome back to yet another video. मेरा नाम है मानसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लॉस्ट लॉयर।